वे विधान सभा के बाहर की ये तस्वीर है, एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वो सदन के अंदर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी आरजेडी का ये कहना है कि खेला होगा, बड़ा खेला होगा, लेकिन जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल की बात जो सामने आ रही है, जो चार विधायक जो नाराज थे नीतीश के खेमे के, उसमें से एक जो विधायक हैं वो पहुंच गए हैं, सुदर्शन पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर संजीव की अगर बात करें, बीमा भारती की बात करें या फिर दिलीप राय की बात करें, वो अभी तक मीडिया के कैमरे के सामने नजर नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तेजस्वी यादव की जो गाड़ी है वह विधानसभा पहुँच गई है। तेजस्वी यादव की गाड़ी पहुंच चुकी है, हालांकि तेजस्वी यादव मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी उसी समय उन्होंने कहा था कि खेला होगा। खेला जो है वो नीतीश कुमार ने शुरू किया है, लेकिन अब तेजस्वी यादव यानी आरजेडी जो है वह खेले को खत्म करेगी। एआईएम के जो एकमात्र विधायक है वो हमारे साथ है। सर ये बताइए क्या होगा आज? देखिए कार्यसूची में तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ होगा। आप किसके पक्ष में सदन के अंदर खड़े रहेंगे, एनडीए या महागठबंधन? सिचुएशन क्या आता है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना इस वक्त देशवासियों की जिम्मेदारी है। लेकिन महागठबंधन तो ये मान के चल रही है कि आप उसके साथ हैं। मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो भी आएगा मैं उसके साथ रहूंगा। नहीं, एनडीए से क्या लगता है, एनडीए आज फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएगी? अब देखिए कुछ भी कहना कबल वक्त है, उम्मीद तो है। उनके सफों में बड़ी दरार है, उनके घर में बहुत छेद हो गया है, कश्ती में सुराख है। भेजा इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस प्रशासन का? हाँ यकीनन, इसमें कोई शक नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों को छुपाया जा रहा है, जपता जा रहा है। तो ये अख्तरुल इमाम थे, एकमात्र विधायक है एआईएमआईएम के, और इनका कहना है कि अंदर देखा जाएगा, यानी ये पत्ते अपने जो है वो अभी भी खोल नहीं रहे। इनका कहना है कि अंदर हम डिसाइड करेंगे कि किसके पक्ष में हमें खड़ा होना है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की जो सरकार है वो ये मान के चल रही है कि उनके साथ एआईएम के विधायक है। अभी तेजस्वी यादव हमें नजर आ रहे थे हाथ हिलाते हुए अंदर गए, पास होंगे या फेल होंगे? देखिए नीतीश कुमार अब सब चीज में फेल हो रहे हैं, फ्लोर टेस्ट में भी फेल होंगे, और जो बिहार की जनता के साथ, देश की जनता के साथ जिस तरह का विश्वासघात उन्होंने किया, करने चले थे जो है सो भाजपा मुक्त नरेंद्र मोदी मुक्त भारत, आप फिर क्या किए हैं उसकी जनता भी देख रही है, सब लोग जनता भी देख रही है, सब कुछ देख रही है, वॉच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब से कुछ ही देर के बाद जो सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद सौरभ जैसे ही कोई आता है बड़ा चेहरा मिलता है, जो भी खास तस्वीरें दिखाते रहिएगा, मैं बीच बीच में आप तक आती रहूंगी।